हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 12 में केमिस्ट्री पार्ट 1 में कैटालिसिस पढ़ेंगे। कैटालिसिस में हमने आपको उत्प्रेरकों का सिद्धांत बताया था, उत्प्रेरण के सिद्धांत बताए। उस उत्प्रेरण के सिद्धांत में उस उत्प्रेरण के तो इसमें दूसरा सिद्धांत है अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण के सिद्धांत को 1833 ईस्वी में फैराडे नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। 1833 ईस्वी में फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया था। यह विस्मांगी उत्प्रेरकों के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। विस्मांगी उत्प्रेरकों के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गैसी अवस्था में अभिकारक पदार्थ को किसी ठोस उत्प्रेरक के द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है, जिससे अभिकारक पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है। जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कहा जाता है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इसे अधिशोषण का सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत दोनों सिद्धांतों का मिश्रण है। माध्यमिक अवयव का सिद्धांत और अधिशोषण दोनों के सिद्धांत का मिश्रण है। पहला, इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। पहला, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारी पदार्थ उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके सक्रियत संकर यौगिक बनाता है। जैसे ए प्लस बी उत्प्रेरक सी। क्या बनाएगा? ए बी डॉट 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 सी। इसको क्या कहेंगे आप? सक्रियत संकर यौगिक। सक्रियत संकर यौगिक के अणुओं के बीच तनाव उत्पन्न होता है, जिससे उत्पाद बन जाता है और उत्प्रेरक को मुक्त कर देता है ए बॉन्ड बी डॉट डॉट सी। इनके अणुओं के बीच में क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा, इससे क्या बना लेगा? ए बी बना लेगा और प्रेरक को क्या कर देगा? मुक्त कर। तीसरा पॉइंट है, जब अभिकारक पदार्थ को उत्प्रेरक के द्वारा अधिशोषित किया जाता है तो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट है, उत्प्रेरक वर्धक की सतह खुरदरी होती है, जिससे उसमें मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे वह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। पांचवा पॉइंट है, उत्प्रेरक विष की सतह चिकनी होती है, जिससे उसमें मुक्त संयोजकताओं की संख्या कैसी होती है? कम होती है, जिससे वे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। किसी ठोस उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय किरणों की संख्या अधिक पाई जाती है जिससे अभिकारक पदार्थों को अधिशोषित कर लिया जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। किसी ठोस उत्प्रेरक की जो सतह होती है उसमें सक्रिय किरणों की संख्या सबसे अधिक एक उसके कॉर्नर पर पाई जाती है, दूसरे उसके पीक पर पाई जाती है,